हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए फाइनल ईयर के सेकेंड पेपर में टॉपिक लिया है टोटम प्रथा। आज हम लोग टोटम प्रथा के विषय में चर्चा करेंगे। कनाडा में टोटम खंभे, गढ़ चिन्हवाद या टोटम प्रथा किसी समाज के उस विश्वास को कहते हैं जिसमें मनुष्यों का किसी जानवर, वृक्ष, पौधे या अन्य आत्मा से संबंध माना जाए। टोटम शब्द ओजिब्बे नामक मूल अमेरिकी आदिवासी कबीले की भाषा के ओतोतेमन से लिया गया है जिसका मतलब अपना भाई, बहन, रिश्तेदार है। इसका मूल शब्द ओते है जिसका अर्थ एक ही माँ के जन्मे भाई बहन है जिसमें खून का रिश्ता है और जो एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते। अक्सर टोटम वाले जानवर या वृक्ष का उसे मानने वाले कबीले के साथ विशेष संबंध माना जाता है और उसे मारना या हानि पहुंचाना वर्जित होता है या फिर उसे किसी विशेष अवसर पर या विशेष विधि से ही मारा जा सकता है। कबीले के लोग अक्सर उसे कबीले की चिन्हों में शामिल कर लेते हैं। मसलन मूल अमेरिकी आदिवासी अक्सर टोटम खंभों में इन्हें प्रदर्शित करते हैं। भारत के बहुत से समुदायों में भी ऐसे टोटम पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखा गया है कि महाराष्ट्र में तांबे का पारिवारिक नाम रखने वाले लोग नाग को अपना कुल देवता मानते हैं, कभी भी नाग को नहीं मारते हैं। 19वीं सदी में सतपुड़ा के जंगलों में रहने वाले भील लोगों में देखा गया कि हर गुट का एक टोटम जानवर या वृक्ष था, जैसे कि पतंगे, सांप, शेर, मोर, बांस, पीपल वगैरह। एक गुट का टोटम गावला नाम की एक लता थी जिस पर अगर एक गुट की उस किसी सदस्य का गलती से पैर पड़ जाए तो वह उसको सलाम करके उससे क्षमा याचना करता था। अगर दो गुटों का एक ही टोटम हो तो उसे आपस में विवाह करना वर्जित था क्योंकि वह एक ही पूर्वज के वंशज माने जाते थे। मोरी नामक भील गुट का टोटम मोर पक्षी था। इसके सदस्यों को मोर के पद चिन्हों पर पैर डालना मना था। अगर कहीं मोर दिख जाए तो मोरी स्त्रियां उससे पर्दा कर लेती थीं या फिर दूसरी तरफ मुंह कर लेती थी। परिचय पशु पक्षी, वृक्ष, पौधों पर व्यक्ति, गढ़, जाति या जनजाति का नामकरण अत्यंत प्रचलित सामाजिक प्रथा है जो सभ्य और असभ्य दोनों प्रकार के समाजों में पाई जाती है। असभ्य समाजों में यह प्रथा बहुत प्रचलित है और कहीं कहीं इसे जनजातीय धर्म का स्वरूप भी प्राप्त है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर रहने वाली हैडा, गिलिगिट, क्वाकीटुल आदि जनजातियों में पशु आकार के विशाल और भयानक खंभे पाए जाते हैं जिन्हें इन जातियों के लोग देवता मानते हैं। इनके लिए इन जातियों में टोडेम, ओडोडेम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसकी ध्वनि टोटेम शब्द में है। मध्य ऑस्ट्रिया के अरुंटा आदिवासी अफ्रीका के पूर्वी मध्य प्रदेशों तथा भारत की जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है। संसार के विभिन्न प्रदेशों में इस प्रथा का विभिन्न रूप पाया जाता है, परंतु इतिहासकारों का ऐसा मत है कि प्राचीन काल में कभी टोटेमी युग रहा होगा जिससे अवशेष आज के टोटेमी रीति रिवाज हैं। ऐसे इतिहासकारों में राइनाक और मैक लेलन के नाम उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार की विचारधारा के अनुसार राइनाक ने 1900 ईस्वी में टोटेमिज्म के प्रधान लक्षणों की एक तालिका प्रस्तुत की। इस तालिका के अनुसार पहला, कुछ पशु मारे या खाए नहीं जाते
और ऐसे पशुओं को उन समुदायों में व्यक्ति पालते हैं। दूसरा, ऐसा कोई पशु यदि मर जाए तो उसकी मृत्यु का शोक मनाते हैं। मृतक पशु का कहीं ना कहीं विधिवत पूर्वक संस्कार भी किया जाता है। तीसरा, कहीं ना कहीं पशु मांस भक्षण पर निषेध विशिष्ट पशु के विशिष्ट अंग पर होता है। चौथा, ऐसे पशु को यदि मारना या बलि देना पड़ जाए तो प्रार्थना आदि के साथ निषेध का उल्लंघन विधिपूर्वक किया जाता है। पांचवा, बलि देने पर भी उस पशु का शोक मनाया जाता है। छठवा, त्योहारों पर उसे पशु की खाल आदि पहनकर उसका स्वांग भरा जाता है। सातवां, गढ़ और व्यक्ति उस पशु पर अपना नाम रखते हैं। आठवां, गढ़ के सदस्य अपने झंडों और अस्त्रों पर पशु का चित्र अंकित करते हैं या उसे अपने शरीर पर गुदवाते हैं। नौवां, यदि पशु खूंखार हो तो भी उसे मित्र और हितैषी मानते हैं। दसवां, विश्वास करते हैं कि टोटेम पशु उन्हें यथासमय चैतन्य और सावधान कर देगा। ग्यारहवां, पशुगढ़ के सदस्यों को उनका भविष्य बताकर उनका मार्गदर्शन करता है, ऐसी उनकी धारणा है। बारहवां, टोटेमवादी उस पशु से अपनी उत्पत्ति मानते हैं और उससे घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। संसार में गढ़चिन्हवाद के लक्षण सब कहीं एक से नहीं पाए जाते। उदाहरण के लिए हैडा या टिलिंगिट जातियों में गढ़चिन्हवाद सामाजिक प्रथा है, परंतु उनका धार्मिक स्वरूप विकसित नहीं है। मध्य ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जाति में टोटेम धर्म और रीतियां पूर्ण विकसित हैं। टोटेमी पशु की नकल या स्वांग नहीं उतारते। अफ्रीका की बंगड़ा जाति में गढ़चिन्हवाद का धार्मिक रूप अप्राप्य है। भारत की मुंडा, उराव, संथाल आदि जातियों में टोटेम केवल गढ़ नाम और गढ़चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है। वहाँ टोटेम बलि और टोटेम पूजा की परंपराएं नहीं पाई जाती। आदिवासी कला पर गढ़ का प्रभाव प्रचुर मात्रा में मिलता है। छोटा नागपुर तथा मध्य प्रदेश के घरों में दीवारों पर टोटेम के चित्र देखने में आते हैं। न्यूजीलैंड के माओरी अपनी नौकाओं पर अपने टोटेम का चिन्ह उकेर देते हैं। कई अन्य जनजातियों में पहनने के वस्त्र, शस्त्र, उपकरण और झंडे पर टोटेम चित्रित रहता है। विशेषतः उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी कला पर गढ़ चिन्ह का प्रभाव बहुत गहरा है। टोटेमगढ़ के सदस्य अपने को टोटेम की अलौकिक और मानसिक संतान मानते हैं। वे अपने गढ़ में विवाह नहीं करते। इस प्रकार टोटेमवादी समाजों में बहिर्विवाह की रीति मान्य होती है। सर जेम्स फ्रेजर का विचार है कि टोटेमवाद और बहिर्विवाह में कार्यकारण का संबंध है और वे सदैव साथ साथ पाए जाते हैं। टोटेम को अलौकिक रूप से गढ़ चिन्ह मानने के कारण टोटेमी गढ़ के सदस्य आपस में रक्त संबंध मानते हैं और इस कारण परस्पर विवाह नहीं करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हम लोग ने टोटेम प्रथा के विषय में चर्चा किया। एक बार फिर उपस्थित होंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।